नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और आप देख रहे हैं अमेजन टेक संजीत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कीबोर्ड को अपने लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका कीबोर्ड का कुछ ऐसा आपका एक पोर्ट होगा जो वायर से कनेक्टेड होगा। तो इस पोर्ट को आपको क्या करना होता है, इस साइड में आपका एक पोर्ट होगा, इसमें आपको इंसर्ट करना होता है। आप ये व्हाइट वाला पर्सन होगा उसको, व्हाइट या ब्लैक का पर्सन होगा आपके में, या ग्रीन का हो सकता है, तो उसको आप नीचे करके और इसे ऊपर करके ऐसे आप कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, अब आपका लैपटॉप सॉरी कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है आपके लैपटॉप से। ओके, आप चाहें तो इस पोर्ट में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इस साइड के पोर्ट में। इस साइड में आपको दो पोर्ट मिल जाता है, ये 3.0 का SS पोर्ट है, इसमें आप कनेक्ट करते हैं तो आपका कीबोर्ड थोड़ा फास्ट काम करेगा उसके कंपेरिजन में। तो इसमें आप कैसे लगाएंगे, तो ऐसे ही आप वाइट वाले पोर्शन को नीचे और जो ब्लैंक था उसको ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये कीबोर्ड हमारा लैपटॉप में अब कनेक्ट हो चुका है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आप अपने लैपटॉप में कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं एक बात और बोल देना चाहूँगा दोस्तों, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई ये तो मुझे पता था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनको यह पता नहीं था, यानी बहुत ही जो बिगनर हैं उनके लिए। चलिए, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।